दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप अपने GB WhatsApp को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद कुछ आपको इस तरीके का विंडो दिखाई देता है, तो आपको क्या करना है, कैसे आप अपने GB WhatsApp को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, सारा डेटा आप अपना मेंटेन कर सकते हैं, वापस पा सकते हैं और आपका GB WhatsApp फिर से काम करने लगेगा। बेसिकली आपको अपडेट करना सीखना है अपने GB WhatsApp को। क्या करना है, कैसे करना है, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ से आपको क्या करना है, आपको इसको क्लोज कर देना है। बिल्कुल क्लोज करने के बाद आपको अगला काम ये करना है कि आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पोर्शन पे जाना है। तो जैसे आप सेटिंग पोर्शन पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से पहुँचेंगे। आपको सर्च बटन पे टाइप करना है डेट एंड टाइम और टाइप करके आपको कर देना है सर्च। जैसे आप डेट एंड टाइम टाइप करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और आ भी जाएगा। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपको फिर से डेट एंड टाइम दिखाई देगा। आपको डेट एंड टाइम पे फिर से क्लिक कर देना है, यहाँ से फिर से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब आपको यहाँ से ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम को बंद करना है और मैनुअली कोई एक ऐसी डेट सेट करनी है जो कि आपके इस वर्जन के एक्सपायर होने की पहले की हो। तो मान लीजिए अगर ये डेट 12 तारीख की है तो चूंकि 12 तारीख को एक्सपायर हुआ है तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको बैक जाते हुए 12 तारीख के पिछले महीने की कोई डेट सेट कर देना है और यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको वापस जाना है। तो यहाँ से हम चलते हैं वापस और फिर से हम पहुँच जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे। इसके बाद चूंकि आपने पिछली डेट डाली है तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि उस डेट को आपका GB WhatsApp एक्सपायर नहीं हुआ होगा, तो आप फिर से आप ओपन करें। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो मेरे हिसाब से ये पक्का आपका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे चूंकि मैच कर रहा है डेट के साथ और इस तरीके से आपका यहाँ पे देखेंगे ये तकरीबन ओपन होना स्टार्ट हो गया और ये ओपन हो भी गया है। अब आपको क्या करना है, आप ये चाहते हैं कि डेट चेंज करने के बाद भी, यानी जो भी डेट आज की है उसमें भी ये ना जाए और आपका अपडेट भी हो जाए, तो ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपको GB सेटिंग्स पे जाना है। GB सेटिंग्स पे जाने के बाद जाइए, चूंकि इसमें इनबिल्टेड आपको बैकअप एंड स्टोर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पे जाइए और यहाँ से आपको क्या करना है, आपको बैकअप पे क्लिक करते हुए बैकअप ले लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपके GB WhatsApp का पूरा डेटा बैकअप हो जाएगा। तो आप नीचे देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है फॉलो GB, आपको फॉलो GB पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ताकि पूरा का पूरा डेटा रिकवरी में आ जाए। तो आप वेबसाइट वाले पोर्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन दिखाई देगा आपको GB WhatsApp का, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दिखाई दे रहा है आपको GB WhatsApp का वर्जन 18.60। आप इस पे टैग करेंगे, जैसे ही आप टैग करेंगे तो ये डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिटेल्स में जाके आप ये चीज़ें चेक करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग हो गई है स्टार्ट। आपको सबसे पहला काम क्या कर लेना है, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड हो जाने देना है। सिंपली अब आपको क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, आप यहीं पे टैग करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक ये उसी एप्लीकेशन का अगला वर्जन है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा और आपने डेटा को डिडक्ट भी कर लेगा, डेटा आपका डिलीट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली सारी की सारी रिकवरी आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अब अगर आप चाहें तो आप जाकर वहां से टाइम एंड डेट को फिर से करेक्ट कर सकते हैं। इसके इंस्टॉलेशन के बाद वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहां से हम ओपन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका सारा यहां पे काम हो चुका है। डेट भी अगर आप करेक्ट कर भी लेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका ये एप्लीकेशन अपडेटेड वर्जन है। अगर आप चाहें तो क्लिक कर लें GB सेटिंग्स पर और नीचे से आपको यहाँ पे क्लिक करते हुए चेक करना है, पहले का वर्जन 50 था, अब का वर्जन है 60। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं अपने GB WhatsApp को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।